जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, आप भगवान के रूप को देखते हैं, बहुत बढ़िया। स्पर्श अनुभव करते हैं, बहुत बढ़िया। भगवान को सूंघते हैं, बहुत बढ़िया। सुनते हैं भगवान को, बहुत बढ़िया। जरा भगवान को चख कर देखिए। तो भगवान चखे कैसे जाएंगे? जब नाम होकर जीभ पर आवेंगे तब भगवान का आस्वादन होगा। आपको पहले सुनाया, हमारे एक महात्मा हुए हैं श्री रूप गोस्वामी जी महाराज। वे कहते हैं कि भगवान के नाम में इतना स्वाद है, इतना स्वाद है। आप जरा स्वाद लेते हुए नाम का उच्चारण अपने मन में कीजिए। नाम में कितना स्वाद है, वे बोलते हैं। जब हमारे मुख में भगवान का नाम तांडव नृत्य करने लगता है, वह परा वाली बात ज्ञानी लोग जाने और पश्यंती वाली बात योगी लोग जाने और मध्यमा वाली बात धर्मात्मा लोग जाने। जब मध्यमा से जप होने लगता है तब वैखरी से छूट जाता है। जब पश्यंती से जप होने लगता है तब मध्यमा और वैखरी से छूट जाता है। और जब परा से जप होने लगता है तो पश्यंती, मध्यमा और वैखरी से छूट जाता है। भक्तों ने कहा है कि नाम कहीं से छूट जाता है तो हमने उस साधना पद्धति को हाथ जोड़ा। हमको नहीं चाहिए परा, नहीं चाहिए पश्यंती, नहीं चाहिए मध्यमा। जिस समय वैखरी से, जीभ से नाम उच्चारण होता है तो उस समय मध्यमा, पश्यंती और परा इन तीनों से ही होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिना परा से हुए पश्यंती से नहीं होगा, बिना पश्यंती से हुए मध्यमा से नहीं होगा, बिना मध्यमा से हुए वैखरी से नहीं होगा। वह तो जीभ पर जब नाम उच्चारण होगा तो परा, पश्यंती और मध्यमा की प्रक्रिया से ही तो वैखरी वाणी में आएगा। इसलिए हाथ जोड़ लिया हमने ज्ञान, योग और धर्म की प्रक्रिया को। हम तो चिल्लाते हैं भगवान का नाम, हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम तांडव नृत्य करता है। तांडव नृत्य का अर्थ है कि जल्दी जल्दी और जोर जोर से बोलना। जो जानते हैं मध्यमा, पश्यंती, परा को, वे जाने। हम यह जानते हैं कि जब जीभ से नाम उच्चारण होता है तो बाकी जो सूक्ष्म तीन वाणियाँ हैं वे क्रियाशील रहती हैं, निष्क्रिय रह ही नहीं सकती। जब भगवान का नाम शंकर जी की तरह तांडव नृत्य के स्वर में जीभ पर नाचता है तो मन यही होता है कि एक मुख नहीं, हजार मुख होते। भले लोग हमें दशानन कहें, मंजूर है। भले हमको लोग शतानन कहें, मंजूर है। सहस्त्रानन कहें, मंजूर है। परंतु हमारे हजारों मुख हों और उनसे हम भगवान का नाम राम राम राम, कृष्ण 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 उच्चारण करें, क्योंकि बड़ा स्वाद आता है। अच्छे काम में भला तृप्ति किसको नहीं होती है। और कान की गोद में जब नाम आकर निवास करता है, जब सुनने लगते हैं कोई कीर्तन कर रहा है, अरे वह कीर्तन नहीं कर रहा है, वह अपने हृदय में भरे हुए नाम अमृत को उड़ेल उड़ेल कर पिलाता है। उसका स्वाद लो ना। कथा में बैठोगे और दुकान की बात सोचोगे तो कथा का स्वाद नहीं आएगा। नाम का उच्चारण करोगे और बात दूसरी सोचोगे तो नाम का स्वाद नहीं आएगा। जब कान के छिद्र में नाम का अमृत प्रवेश करता है, रस 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 भर जाता है। यह आनंद स्वरूप है, ब्रह्म का लक्षण है आनंद।
आनंद से ही वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। तो जिस समय कान में यह आनंद अमृत नामामृत उड़ेला जाता है, उस समय यही इच्छा होती है कि जैसे शेष भगवान के हजारों कान हैं, वैसे हमारे हजारों कान हो जाएं और उनसे हम भगवद नाम अमृत का श्रवण करें। धरती पर बैठे हैं, धरती के कण कण में से नाम की आवाज़ हो रही है, जल के तरंग तरंग में नाम भरा हुआ है, संसार की प्रत्येक वस्तु नाम के द्वारा रूपायित हो रही है, नाम की हवा बह रही है, नाम की बांसुरी बज रही है, बांसुरी गूंज रही है, नाम में बैठे हैं, नाम में सोए हैं, नाम में चलते हैं, अरबों नाम हमारे चारों ओर से घेरे हुए हमारे कान में प्रवेश कर रहे हैं। चित्त में कृष्ण नाम का स्मरण होता है तब सब इंद्रियों का कर्तृत्व वहीं सिमट जाता है। बाहर न कुछ देखने की इच्छा होती है, न सुनने की, न छूने की, न सूंघने की, न चखने की, न चलने की, न फिरने की और न कुछ करने की ही। पता नहीं कृष्ण ये दो अक्षर कितने अपार अमृत से उत्पन्न हुए हैं। देखो नाम रूप को अपनी गोद में लेकर आता है, शब्द के पेट में रूप रहता है, शब्द बीज है और रूप अंकुर है। प्रत्येक शब्द रूप बीज में से एक रूप का अंकुर जन्म होता है। तो जब नाम का आप उच्चारण करेंगे, यह जीभ में से आपके हृदय में जाएगा, हृदय के लिए बड़ा हितकारी और वहाँ जाकर चिपक जाएगा। हमारे पास एक साधक रहते थे, एक दिन आए बोले कि महाराज बहुत दिन हो गए जप करते करते, कुछ होता हवाता नहीं है, अब छोड़ देंगे। हमने कहा कि अरे भाई छोड़ो मत, माने ही नहीं और जिद पकड़ लिए कि हम तो छोड़ देंगे। हमने कहा कि अच्छी बात है छोड़ दो। छोड़कर गए तो 15-20 मिनट बाद आए कि महाराज छूटता नहीं। मैंने कहा कि नहीं अब नाम लेना नहीं, तुम्हारे लिए मना हो गया है। घंटे भर में तो व्याकुल होकर रोने लगे और बोले कि नहीं अब इसके बिना रहा नहीं जाता है। अरे तुम कहते हो कि इससे कुछ होता हवाता नहीं, यह तो इतना कर गया कि तुम छोड़ ही नहीं सकते, यह क्या फल नहीं है? फल तो यह है कि यह जिह्वा में गया तुम्हारे अंतस में और चिपक गया, आसक्ति हो गई। देखो पति लोग पहले तो पत्नियों को बोल देते हैं कि तुम जब से आई हो दुख ही दुख है, हम पहले ही अच्छे थे, तुम जहाँ जाना चाहो चली जाओ। परंतु जब वे जाने को तैयार होती हैं तो हाथ जोड़कर पांव पकड़कर मनाते हैं कि नहीं, कि तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। यह क्या हुआ, इसी का नाम तो आसक्ति है। तो नारायण नाम के साथ एक बार संबंध हो गया तो यह ऐसा संबंध है कि इसमें तलाक हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए और कोई चाहे कि हम नाम को छोड़ देंगे तो ब्रह्म ज्ञानी की जिह्वा अपने आप ही हिलती रहेगी। समाधि में जीभ का चलना यदि बंद हो जाएगा तो समाधि से उठने के बाद फिर जीभ चलने लगेगी। यह नाम तो ऐसा चिपकता है जैसे परब्रह्म परमात्मा, जैसे आत्मा हमको छोड़कर कभी अलग नहीं हो सकता, वैसे ही व्यवहार में यह परमानंद स्वरूप हमको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। अब कोई कहते हैं कि हमारी इंद्रियां नहीं मानती। नारायण कहो आप जब नाम का स्वाद लेने लगेंगे तो आँख भीतर देखेगी कि देखो यह नाम का क्या रूप है, कान भीतर सुनेगा कि नाम की ध्वनि हो रही है, त्वचा भीतर नाम का स्पर्श करेगी, जीभ भीतर नाम का स्वाद लेगी, नासिका नाम का गंध सूंघेगी। यह नाम क्या है, चिंतामणि है,
इससे गंध लो, इससे रस लो, इससे रूप लो, इससे स्पर्श लो, इससे ध्वनि लो और इससे तन्मयता लो। यह नाम सब कुछ देने के लिए आया है। यह नाम नहीं अमृत है, यह आनंद है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।